बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। सरवत किचन में आप सब की दावत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ चीज़ बॉल, तो चलिए देखते हैं। चीज़ बॉल बनाने के लिए मैंने लिया है 150 ग्राम पनीर, इसे मैंने ग्रेट कर लिया है। दो मीडियम साइज़ के आलू, इसे मैंने बॉईल करके ग्रेट कर लिया है। आप इसकी जगह पे अगर वज़न करेंगे तो 150 ग्राम आलू लिया है मैंने। प्रोसेस चीज़ ये मैंने 100 ग्राम लिया है। 50 ग्राम मोज़रेला चीज़, आप इसे चाहें तो स्किप कर सकते हैं और प्रोसेस चीज़ को ही आप 150 ग्राम कर लीजिएगा। हाफ कप मैदा, हाफ कप कॉर्नफ्लोर, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, चॉप्ड धनिया की पत्ती, चॉप्ड हरी मिर्च, काली मिर्च का पाउडर, नमक और तेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा बोल, इसमें हम डालेंगे पनीर, ग्रेट किया हुआ पोटैटो, चीज़ क्यूब्स, मोज़रेला चीज़। इन सब को पहले हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो पहले चीज़ क्यूब्स को हम अच्छे से मैश कर लेते हैं फोर्क की हेल्प से। अब इसमें हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया की पत्ती, हरी मिर्च, नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा और एक बार में सारा नहीं डालिएगा। अब इन सब को हम हाथों से ही अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसका हम छोटा छोटा सा बॉल्स तैयार कर लेंगे इस तरह से। तो इतना बड़ा हम बॉल तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने चीज़ बॉल्स तैयार कर लिया। तो अब लेंगे हम एक बोल, इसमें हम डाल देंगे मैदा, कॉर्नफ्लोर, काली मिर्च का पाउडर, नमक। इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। इसमें लम्स नहीं होना चाहिए, इसलिए हम पानी धीरे धीरे डालेंगे। तो ये देखिए, आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिए। इसे ज़्यादा पतला नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखेंगे। तो ये बस इस तरह से होना चाहिए। तो ये हमारा घोल तैयार है। तो अब यहाँ पे मैंने ले लिया है ब्रेड क्रम्स और ये मैदे का घोल भी हमारा तैयार है। तो अब एक एक करके हम चीज़ बॉल्स उठाएँगे और इसमें डालेंगे, मैदे में अच्छे से डिप करेंगे इस तरह से। इसे धीरे से हम फोर्क से या स्पून से उठाएंगे और इसे ब्रेड क्रम्स में डाल देंगे इस तरह से। इस तरह से मैंने ब्रेड क्रम्स भी इसके ऊपर लगा लिया। अब इसे हम रखेंगे प्लेट पर। इसी तरह से हम सारे चीज़ बॉल्स को ब्रेड क्रम्स में कोट कर देंगे और उसके बाद हम इसे 10 मिनट के लिए फ्रीज में रख देंगे और उसके बाद इसे हम फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब लेंगे हम एक पैन, इसमें हम डालेंगे तेल। तेल मैंने अच्छे से डाला है
क्योंकि हमें चीज़ बॉल को डीप फ्राई करना है और इसे बहुत ज़्यादा हीट नहीं करेंगे, मीडियम हीट पे हम इसे फ्राई करेंगे। तो तेल हमारा गर्म हो गया, बिस्मिल्लाह। तो इसमें सारी चीज़ें पकी हुई हैं तो इसे हमें ज़्यादा देर तक कुक नहीं करना है, बस इतना करना है कि एक अच्छा गोल्डन सा प्यारा कलर आ जाए इस पर और चीज़ हमारा इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो इस पर गोल्डन कलर आ गया है, अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो चीज़ बॉल के लिए अब हम डिप तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लेंगे मेयोनीज, 2 टेबलस्पून मेयोनीज लिया मैंने। इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून टमाटो केचप, इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स करके हमारा डिप तैयार हो गया है। तो लीजिए तैयार है हमारा चीज़ बॉल, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगा, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। थैंक यू।